तो दोस्तों ये है जागेश्वर महादेव जी का मंदिर और यहाँ कम से कम 124 शिवलिंग हैं, छोटे छोटे से लेकर और बड़े तक पूरे 124 मंदिर और शिवलिंग हैं। तो यहाँ इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर जगह है। और जो ये शिवलिंग बने हुए हैं, ये मंदिर बने हुए हैं, तो ये इनकी जो है बनावट हाथों से बनाए गए हैं, ये प्रॉपर तरीके से हाथों से डिजाइनर करे हुए अच्छे तरीके से। तो यहाँ मतलब जो पूजा अर्चना होती है, यहाँ भगवान विष्णु, शक्ति देवी और सूर्य देव की पूजा होती है यहाँ, और उनके मंदिर है यहाँ। और उनके अलावा यहाँ भैरव, माता पार्वती, केदारनाथ, हनुमान जी, मृत्युंजय महादेव और माता दुर्गा के मंदिर विद्यमान हैं यहाँ। तो ये सारे यहाँ इन सब के जो भी हैं जो मैंने आपको बताए हैं, यहाँ सबकी पूजा होती है। तो इतने खूबसूरत मंदिर है, इतने खूबसूरत मंदिर है, आप यहाँ आओगे तो आपको एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। और इसके चारों तरफ जो है देवदार के पेड़ हैं, इतने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं पूरी चारों तरफ। और एक पेड़ यहाँ ऐसा है मंदिर के बीचों कि वो नीचे से सूखा हुआ दिखेगा और ऊपर से उसकी टहनियाँ निकली हुई हैं। तो ये वीडियो में अभी ढंग से दिख नहीं रहा है, आप देखना जब जाओगे, ये वाला पेड़ है, ये दिख नहीं रहा ऊपर से, ये वाला तो ये नीचे से सूखा है तो ऊपर से इसकी टहनियाँ निकली हुई हैं। तो यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है, आप ज़रूर यहाँ पर आएं और भोलेनाथ जी की मतलब दर्शन करें। और एक बात और कि यहाँ मतलब जो सप्त ऋषियाँ थे तो उन्होंने यहाँ घोर तपस्या करी थी, बहुत ही मतलब घोर तपस्या करी थी भोले शंकर जी की। तो उस दिन से ही यहाँ मतलब जहाँ भी शिवलिंग की पूजा होती है यहीं से स्टार्ट हुई थी। और एक बात और हमें बताई है पंडित जी ने, हम पाताल भुवनेश्वर गए थे तो एक बात और बताई थी पंडित जी ने कि जो ये मंदिर बने हुए थे ये रातों रात बने थे, मतलब पूरी रात ये मंदिर बनाए गए थे। और जैसे ही सुबह हुए तो दो मंदिर अधूरे छूट गए, तो अभी भी यहाँ पे ऐसे हैं कि दो मंदिर अधूरे ही हैं। तो ये देख सकते हैं, ये है यहाँ पे घाट, इसको घाट कहते हैं, यहाँ पे स्नान करते हैं। तो जहाँ भी भोलेनाथ का मंदिर रहता है वहाँ पानी तो रहता ही रहता है, तो यहाँ से स्टार्ट होती है यात्रा। पहले यहाँ पे स्नान करते हैं और उसके बाद जाते हैं, फिर यहाँ क्रम वाइज करनी पड़ती है पूजा। तो 124 मंदिर हैं तो उसके यहाँ से स्नान करके और फिर क्रम वाइज जाना पड़ता है हम दर्शन करने या पूजा करने। तो बने रहिए वीडियो में और देखना पूरी वीडियो को, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं हम। और एक बात और है, यहाँ जोंक भी होते हैं, जब भी आप जाओगे तो ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ जोंक होते हैं। और हमें तो एक दो जोंकों ने खा भी लिया था, हमें पता ही नहीं चला, तो जैसे ही देखा तो खून निकलने लग गया, फिर इन्होंने बताया कि यहाँ जोंक होते हैं। तो ये देख सकते हैं मंदिर का सुंदर सा नज़ारा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं जागेश्वर महाजी के दर्शन करके बाहर, और ये देख सकते हैं बाहर कितनी सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई हैं। तो हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम था, मतलब बहुत ही कम टाइम था सॉरी, कि हम यहाँ से कुछ भी ले नहीं पाए। और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मन तो कर रहा था लें, पर हमें आगे जाना था पाताल भुवनेश्वर, तो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो इसलिए रात ना हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ से फटाफट से निकल पड़े हैं पाताल भुवनेश्वर के लिए। और वहाँ करेंगे हम एक दिन टेक लेंगे वहाँ पाताल भुवनेश्वर में आज के दिन। तो अभी तो मतलब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 3 बज गए हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, कितना सुंदर सा नज़ारा है। तो दोस्तों हम आए हुए यहाँ पर लंच करने, 3 बज गए, 3 से ऊपर हो गया टाइम, यहाँ पे आए खाना। तो दोस्तों हमारा हो गया है यहाँ पे लंच का टाइम, तो 3 से ऊपर हो गया है टाइम, तो हमने सोचा कि पहले खाना ही खा लें और उसके बाद चलते हैं अपने
अपने सफर में आ गए, तो यहाँ पे हो गया है हमारा खाना पीना फिनिश। मैं पापा को दिखाऊंगी, ये देखो पापा खा, पापा थोड़ा खाना खा, ये देखो कितना सारा खा लिया बच्चा, मेरे बच्चा ना खाए, खा लिया मरी बेटा, पता है अच्छा बेटा इनका तो भाई देखो सब कुछ खाना खत्म कर दिया इन्होंने, कुछ भी नहीं छोड़ा, खा लिया रोटी भी उठा लिया अपने हाथ से, ताकि सब कुछ भी ये देखो ये इनकी एक रोटी बच रही है, बिल्कुल चरब दिया ना, वेस्ट नहीं करते हम सारे। चार रोटी थी थाली के साथ, इन्होंने चारों चपट कर दी। तुमने खाली सबसे पहले तो तुम्हारी खाली होगी तो वीडियो बनाने आने। आपको कैसा लग रहा है? इतनी बारिश हो रही है और हमने खाना खा के निकल चुके हैं बाहर, हमारी सवारी हो गई है तैयार। गाइस इसको जोंक ने काट दिया और इसके पैर में पता जोंक ने काटा और हमें पता ही नहीं चला। ई वाला जोंक, रुको रुको रुको, जोंक ने काटा उसके पैर में, हम वहाँ पानी में गए थे ना तो हमें पता ही नहीं चला, और फिर उसका देखा हमने तो एकदम से खून आ रहा था, हमें तब मैंने लगाया अंदाजा, बाकी किसी को पता नहीं था, लेकिन मैंने सुना था कि जो काटते हैं क्योंकि घाव तो कुछ था नहीं पर खून आ रहा था। तो दोस्तों चलते हैं अपने सफर में आगे और आगे बढ़े। तो दोस्तों हम मतलब काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं पाताल भुवनेश्वर के लिए, तो हमने मतलब इतना जंगल का रास्ता है, काफ़ी जंगल का रास्ता है, बिल्कुल सुनसान एरिया है, कोई भी मतलब इतने दूर दूर तक घर नहीं है, ये दूसरी साइड है, और हमने थोड़ा सी यहाँ पे रेस्ट करा है। ये देख सकते हैं कितने नीचे हैं ये घर भी, और ऊपर जो जंगल का रास्ता है वो तो बिल्कुल सुन सागर है, कोई भी गाड़ियाँ नहीं मिली हमें पूरे रास्ते में। और ये देख सकते हैं कैसा पहाड़ है ये, मतलब कोई ऊपर से फिसलेगा तो वो पता नहीं कहाँ ही जाएगा, तो ऐसा एरिया है इधर। और अब थोड़ा सा अंधेरा भी होने लग गया है और हमें टाइम से पहुँचना भी है, तो पता नहीं हम कैसे पहुँचेंगे, और इतना सुनसान एरिया है ये, आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर तक कोई भी घर या कोई भी गाड़ियाँ हमें बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। और बढ़ते हैं दोस्तों अपने सफ़र में, देखते हैं हमारा सफ़र कैसे कैसे रहता है, तो मैं आपके साथ अपना पूरा सफ़र शेयर करूंगी कि हमारे साथ कैसे क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हमारा सफ़र तय हुआ है। तो अंधेरा भी काफ़ी हो गया, ये देख सकते हैं आप पूरा जंगल का रास्ता है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं काफ़ी जतन करने के बाद, और ये हमारे होटल भी हो चुके हैं बुक, तो ये रहे हमारे होटल। हमारे पास अब खाओ मछा, क्यों वीआईपी का वो आता ना थोड़ा, वीआईपी का लुक आता थोड़ा, ये हमारा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पिथौरागढ़, और यहाँ से है मतलब पाताल भुवनेश्वर अभी 18 किलोमीटर है, तो ये है यहाँ पीरागढ़, पीरागढ़ कुछ नाम है ऐसे। तो ये हमारा होटल देख सकते हैं आप, जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे बैठ गए फोनों पे, ये होटल 3 रूम है, तीनों के अलग अलग हैं इस पर। तो बहुत ही ज़्यादा थकान लगी, इतना अंधेरा हो गया था रास्ते में, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, डर भी लग रहा था इतना अंधेरा जंगल का रास्ता, और सड़क भी मतलब कहीं कहीं पे तो ख़राब थी और पर कहीं पे तो टूटी हुई थी, बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था, इतना डर लग रहा था दोस्तों। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना, काफ़ी इंजॉय करना वीडियो को, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर।
तो दोस्तों वीडियो को कर देती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कल करेंगे हम पाताल भुवनेश्वर के दर्शन। तो बाय।